क्योंकि मैंने अभी 2 महीने पहले अपने पिता को खोया है। 98 साल के थे, 98, और एक पूरा युग उनके साथ चला गया। ये मैंने अक्सर कहा है कि मैं अपने पिता से बहुत ज़्यादा अपनी माँ के करीब थी, माँ के करीब ज़्यादा रही, लेकिन मैंने अपनी माँ को खोया था सन 1999 में, लगभग 20 साल हो गए। पर माँ को खोने के 20 साल में मैंने पिता को पूरी तरह माँ की भूमिका में उतरा हुआ पाया। तो मैं उस पिता की बात करूंगी जो पिछले 20 सालों में मेरी माँ थी। मुझे कभी उन्होंने इस कमी का एहसास नहीं होने दिया जब मैं जब अपने मायके जाती थी कलकत्ता कि माँ नहीं है। और कोई याद करे ना करे, पर मेरे पिता हर रोज माँ की बात करते थे। ऐसा दाम्पत्य आज बहुत दुर्लभ है मिलना। बहुत कम लोग जानते हैं कि मेरे पिता लिखा करते थे, काफी पहले से लिखते थे। लाहौर में उनकी पैदाइश थी, लाहौर में रहते थे और उर्दू पढ़ा करते थे। उर्दू भाषा में, उर्दू मीडियम के स्कूल में पढ़ते थे। वहाँ से मेरे दादाजी ने उस दिन लाहौर छोड़ने का निर्णय लिया जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई थी, और पिता उनके साथ ही कलकत्ता आ गए। तो कलकत्ता आने के बाद उन्होंने जब स्कूल में दाखिला लिया आर्य विद्यालय में, तो उनके सामने पहली शर्त रखी गई कि आपको हिंदी मीडियम से पढ़ना होगा, और आपको चूंकि हिंदी बिल्कुल नहीं आती, कभी भी नहीं आता, तो आपको क्लास पहली में लिया जाएगा, जबकि वो तीसरी कक्षा पास करके आए थे। और उस समय उस आर्य विद्यालय के हिंदी शिक्षक थे डॉक्टर प्रभु दयाल अग्निहोत्री, भोपाल में जो वाइस चांसलर रहे यूनिवर्सिटी के, वो उनके पहले हिंदी शिक्षक थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा किसी भी तरह तुम्हें क्लास में दाखिला नहीं मिलेगा, क्योंकि हिंदी का कखा कभी नहीं आता। तो पिता ने कहा कि मुझे आप एक सप्ताह का मौका दीजिए, मैं कुछ सीख कर आऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है, एक सप्ताह से ज्यादा बिल्कुल नहीं। उस एक सप्ताह में दिन रात करके उन्होंने अपनी, हमारी एक दादी थी चचेरी दादी, उनसे एक हफ्ते के अंदर उन्होंने पूरी हिंदी का अक्षर ज्ञान से लेकर और संयुक्त अक्षर पढ़ने तक का सीख लिया। जब वो पहुंचे और अग्निहोत्री जी ने कहा कि पहले कुछ शब्द पढ़ाए, जब देखा कि शब्द पढ़ रहे हैं तो फिर अक्षर बताए, जब उन्होंने देखा कि ये तो धड़ल्ले से पढ़े, तो उनको एक वाक्य पढ़ने को कहा और उन्होंने वो वाक्य भी धीरे धीरे पढ़ लिया। तो जैसे मेरे पिता बताते थे कि उनकी एकदम आंखें भीग गई, तो कहने लगे कि मैं पहली बार ऐसा छात्र देख रहा हूँ जिसने 7 दिनों में 7 साल की पढ़ाई पढ़ ली। और उसके बाद प्रभु दयाल अग्निहोत्री जी से उनके इतने पारिवारिक संबंध रहे कि वो उनके घर आते जाते थे, उनके पूरे परिवार से परिचय था। उनकी पत्नी शारदा जी को वो मौसी कहते थे, और ये परिचय इतना घनिष्ठ होता गया कि उन्होंने उनके पूरे परिवार, जो कि बहुत साहित्यिक परिवार था, उसमें सुरेंद्र तिवारी थे, सुरेंद्र तिवारी कमलाकांत द्विवेदी थे, तो उनके माध्यम से उनकी मुलाकात राजेंद्र यादव से हुई। और राजेंद्र यादव हालांकि मेरे पिता से 8 साल छोटे थे,
पर उनकी बहुत बहुत गहरी दोस्ती पिताजी से रही और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राजेंद्र यादव जी का रोज हमारे घर आना, हर वीकेंड पर आना और मेरी माँ के हाथ के पराठे खाना, वो एक बहुत बड़ा जीन्स रहा जिससे कलम और किताबों के प्रति इतना उत्साह जगा। मुझे याद उन दिनों में बहुत बीमार रहा करती थी जब छोटी थी, तो मुझसे छोटे 6 भाई बहन थे और माँ ने मुझे जब इतनी बीमार रहती माँ ने मेरे पास डायरी रख दी कि बेटा इस पे जब तुमको कुछ भी लिखने का मन है तो लिखा करो, और पिता ने किताब रख दी राजेंद्र यादव की उखड़े हुए लोग, जो प्रेत बोलते हैं बाद में उसका नाम रहा या पहले वो नाम था, वो किताब रख दी। अब लिखना तो ठीक था, डायरी में मैं लिखती थी रोज जो भी मन में आए, लेकिन राजेंद्र जी की किताब और पिताजी का आदेश ये किताब पढ़ो, तो मैं तकिए के नीचे से निकाल के धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता पढ़ती थी, और जैसे ही पिता आते थे तो मैं वो किताब तकिए के नीचे रख के उखड़े हुए लोग सामने खोल देती थी। ये मैंने लिखा भी है, एक राजेंद्र यादव जी पे एक तो बहुत बाद में 2011 में पाखी का एक विशेषांक निकला था, जिनको याद हो, मोटा सा एक अंक निकला था, राजेंद्र जी को सम्मान मिला था, पाखी सम्मान, शब्द पद्म सम्मान, और पूरा अंक उन पर था। उसमें मेरे पिता का एक संस्मरण था राजेंद्र जी पर, राम लुभाया अरोड़ा, और पूरा संस्मरण था, उन दिनों की बातें थी। उसमें अलग अलग खंड थे, तो मित्रों के खंड में पिताजी का संस्मरण था, और मैंने जो लेख लिखा वो पाखी के 14 पन्नों में आया, मैंने 2 महीने लग के उसको रात दिन लग कर लिखा, ऐसा लिखा, इतना लिखा कि मेरा फ्रोजन शोल्डर हो गया, और उस लेख के लिए उनको अलग से एक खंड लिखना पड़ा, निंदक निगरे राखिए। मेरे पिता जितने गहरे दोस्त थे राजेंद्र यादव के, मैं उनकी उतनी गहरी दुश्मन थी और हमेशा रही। मैंने उन्हें बहुत खूब खुले पत्र लिखे, पर शायद, और उनको मैं बचपन में हमारे घर आते थे तो मैं उनको, हम लोग सब बच्चे उनको लंगड़े चाचा जी कहते थे, और इसको कहने में हमें कोई संकोच नहीं था, क्योंकि वो हमारे तीन तल्ले के मकान में, शंभुनाथ पंडित स्ट्रीट में रतन भवन मकान था, 3 तल्ले लिफ्ट नहीं थी, 3 तल्ले वो बैसाखियों के सहारे चढ़कर ऊपर आते थे, तो हम लोग सब उनको लंगड़े चाचा भी कहते थे। बाद में जब मेरे पिता ने देखा कि इसका तो हमेशा इनके साथ झगड़ा ही चलता रहता है, तो वो जब मैं कलकत्ता पहुंचती थी तो कहते थे, क्या हाल है तुम्हारे भस्मासुर चाचा जी का। तो हमारी ये खींचतान हमेशा चलती रही। जब राजेंद्र जी चले गए 2013 में, तो मेरे पिता रोए थे, कहने लगे, देखो मुझसे छोटा था चला गया, मुझसे पहले चला गया। पिताजी ने बहुत कुछ लिखा था, कभी छपवाया नहीं, लेकिन इससे भी बड़ी बात कि मेरी माँ लिखा करती थी, शादी से पहले मेरी माँ कविताएं लिखती थी, और उन कविताओं को अपनी किताब के अंदर छुपा कर ससुराल ले आई थी कि कोई देखे नहीं, क्योंकि उस जमाने में लड़कियों का कविता लिखने का मतलब होता था लड़कियां बिगड़ गई हैं, कोई लड़की अगर कविता लिखती थी तो वो किसी के प्रेम में पढ़कर बिगड़ गई है, इसीलिए कविता लिख रही, तो छुपा कर ले आई, लेकिन उन कविताओं को चूल्हे चक्की की झोंक में उनको देखने की भी न फुर्सत मिली न इजाजत, तो माँ की सारी रचनात्मकता तो शादी के बाद बच्चों और चूल्हे चक्की में झुक गई।
और पिता जो लिखते थे, पिता का भी लेखन रोटी रोजी के चक्कर में, क्योंकि हमारा पूरा परिवार अरोड़ा परिवार कलकत्ता का एक व्यवसायी परिवार था, तो पिता को लिखना तो रोटी रोजी दे नहीं सकता था, इसलिए उन्होंने अपनी व्यवसाय ने उनका लेखन सोख लिया और घर गृहस्थी ने माँ का लेखन सोख लिया। पर घर गृहस्थी तो बहुत सी महिलाओं का लेखन सोख लेती है, ये सिर्फ उस जमाने की बात नहीं है, आज भी यही हो रहा है। मैंने जब लिखना शुरू किया था तो शादी के कुछ साल बाद, 7-8 साल बाद, मेरा लेखन 12 साल के लिए एकदम बंद हो गया। मैं अच्छी खासी लिखती थी और जानते भी थे लोग मुझे, क्योंकि उस वक्त लेखिकाएं आज की तरह नहीं थी कि 50 लेखिकाएं आप दो का नाम ना सुने, उस वक्त 2-3 ही लेखिकाएं थी। पर मैंने 12 साल नहीं लिखा, इस बीच लेखिकाओं की पूरी जमात उभर आई थी हिंदी साहित्यिक परिदृश्य में। पर वो 12 साल न लिखने के बाद जब लिखना शुरू हुआ तो जैसे किसी ज्वालामुखी को फूटने से रोका जाए तो वो बहुत जोर से विस्फोट होता है, उस तरह का लेखन हुआ। और इसमें सबसे पहली शाबाशी मुझे अपने पिता से मिली। मैंने पिताजी पे 2 संस्मरण लिखे थे लंबे, लेकिन पिताजी को मुझसे हमेशा शिकायत रही कि तुमने माँ पर तो 3 लंबी कविताएं लिखी और मुझ पे कविताएं नहीं लिखी। उनके जाने के बाद मैंने एक छोटी सी कविता उनको लिखी थी, वो मैं लाना भूल गई। लेकिन पिता को साहित्य से इतना प्रेम था कि उनके उनके उनकी लाइब्रेरी में विशाल भारत, हंस, विप्लव और उस जमाने की कई पत्रिकाओं के पूरे सजिल्द, एक एक साल की सजिल्द खंड पड़े हुए थे, जो सन 2010 में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा से ये सूचना आई कि वो लोग आर्काइव बना रहे हैं और उनको पुराने संग्रहणीय ग्रंथ चाहिए। तो पिता ने अपना पूरा का पूरा पुस्तकालय उनको दे दिया। मुंबई से बोधिसत्व एक कवि हैं, वो आकर सब ले गए थे, पर मैंने अभी तक वो आर्काइव देखा नहीं कि वो किताबें कहाँ रखी हैं। पिता की वो पूरी पूंजी थी, शायद वर्धा में हो। अब मैं आपको अपने पिता का समय तो नहीं ज्यादा होगा, मैं आपको अपने पिता का एक दूसरा पक्ष बताना चाहती हूँ। मेरे पिता 98 साल तक जिए और एक बार भी अस्पताल नहीं गए, एक बार भी उन्होंने कोई अपना ऑपरेशन नहीं करवाया। उनको हार्निया था, हार्निया काफी बढ़ गया था और पेट के बाहर दिखाई देती थी थैली बड़ी हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने शरीर का कोई भी हिस्सा कटवाना नहीं चाहता। उनको अस्पताल लेकर गए, उनके पेट में बहुत जोर का दर्द हुआ था, अस्पताल ले गए तो वहां जाकर उनको एनीमा दिया गया और ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया। तो जैसे ही उनको होश आया तो कहते मुझे कहाँ ले आए, तो पता चला अस्पताल में, तो कहते मुझे तो भूख लग रही है, मुझे खाने को कुछ चाहिए। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको एक दिन कुछ नहीं मिलेगा, आपका परसों ऑपरेशन है। तो बोला मैं एक दिन मुझे कुछ भी नहीं खाना मिलेगा, मुझे तो अभी भूख लग रही है। तो जब उनको कहा कि ऑपरेशन के लिए खाली पेट रहना पड़ता है, तो उन्होंने अपने बेटे से जिद की कि मुझे यहाँ एक मिनट भी नहीं रहना है, मुझे अगर मरना है तो अपने घर पे मरना है, मुझे ऑपरेशन टेबल पे ऑपरेशन थिएटर में नहीं मरना है, क्योंकि ये लोग तो तुमसे कागज साइन करवा लेंगे और उसके बाद कहेंगे कि एज फैक्टर था। तो उन्होंने वहां से लौट आए और घर बहुत मुश्किल से उनको अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस अस्पताल से छुट्टी मिली। और घर जाते ही उन्होंने कहा मुझे तो पनीर पैटीज बनाते दो, मैं तो तरस गया खाने को। और उसके बाद वो 5 साल और जिए। उन्होंने जो पहले लिखा था वो नहीं छपा, लेकिन इधर पिछले 5 सालों से वो लगातार स्वास्थ्य पर,
स्वास्थ्य पर और योग पर आलेख लिख रहे थे। एक कैलेंडर निकलता है जो करोड़ों में छपता है, काल निर्णय। काल निर्णय के 3 साल पहले उन्होंने एक लिखा था आलेख, मुहावरे और कहावतें शाकाहारी की, शाकाहारी संपदा, शाकाहारी संपदा मुहावरों और कहावतों में। तो उसमें बहुत सारे लिखे थे कि इस तरह से हमें अपने स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखना चाहिए। और वो बहुत वो खुद देखिए, पहले वो खुद नॉनवेज बहुत खाते थे, पंजाबी लोग खाते ही हैं, लेकिन उनको जब ये समझ में आया कि उनका उनकी सेहत ठीक नहीं रहती और जब भी कुछ निरामिष खाते हैं तो बीमार होते हैं, उन्होंने एकदम छोड़ दिया। यहाँ तक कि घर में अंडा आना भी बंद हो गया, जो हम बच्चों को बहुत पसंद था, तो हम लोग अपने मित्रों के यहाँ जाके छुप के ऑमलेट खाकर आ जाते थे, पर उन्होंने घर में फिर अंडा भी नहीं आने दिया। और खाने को लेकर फिर वो इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट थे कि उनको, उनके सामने 36 पकवान रखे हों, उन्हें पता है कि मुझे बेसन की चीज सूट नहीं करती तो वो बेसन की किसी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे, चाहे कितनी भी अच्छी हो। और इतना नियम अनुशासन से खाते थे। सबसे बड़ी बात खाने के अलावा उनको जिंदगी के तनावों को कैसे हैंडल करना चाहिए ये हम लोग देखते थे। एक आदमी 98 वर्ष की उम्र तक, और जबकि इतना बड़ा परिवार, 5 बेटे और हर बेटा बहुत तेवर वाला, कोई भी आके कुछ भी कभी भी बोल जाता था और हम लोग हैरान रह जाते थे कि पिता कुछ नहीं, जवाब नहीं देते थे। कोई भी आदमी उनके सामने जब भी गुस्से से बोलता था वो एकदम शांत रहते थे और चुपचाप अपने कमरे में जाकर काली काली की फोटो के आगे, काली माँ की तस्वीर के आगे हाथ जोड़ के बैठ जाते थे। एक अपने वो अपनी ही दुनिया में पहुंच जाते थे। अभी काल निर्णय का जो 2019 का आया है कैलेंडर, उसमें भी उनका आलेख है, वो है घर को संग्रहालय न बनाए, घर को और पेट को, अपने पेट को और घर को संग्रहालय न बनाए। ये आप लोग जरूर पढ़िएगा। मैं बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन अभी हम अचला दीदी से सुनना चाहते हैं। नागा जी की बहुत सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।